is actually getting back the experience of theaters back again. And I know hum log, and with a film like Ruhi, it's actually a cinematic experience. It has got horror, it has got comedy, it's got something basically which you want to come to theaters and watch. Because bahut hota hai ki hum log ghar pe baith rahe hain, हॉरर मूवीज देखना चाह रहे हैं, सडनली चुड़ैल की एंट्री होने वाली है लेकिन सीधा आपकी मम्मी बोलती है बेटा तौलिया फैला दे, तो पूरा आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. एंड विद अ फिल्म लाइक दिस वी एक्चुअली वांट टू कम हियर एंड वी वांट टू एंजॉय इट इन थिएटर्स. एंड लाइक फॉर मी, लाइक आई हैड मिस्ड थिएटर्स अ लॉट. एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रूही फॉर गेटिंग द थिएटर एक्सपीरियंस बैक फॉर अस. So it's a very nice film. I'm sure all of us, I don't know if all of you guys have seen the promos. It's very funny, it's got horror element, and you know, we've got tremendous actors. We've got Rajkumar Rao, Varun, we've got Janvi, and I don't know if you've heard the tracks, they're amazing tracks. In fact, we're going to talk about one song particularly, but before that, I would request that we go ahead and have a look at the trailer once again. It's a very good picture, but once we were in the theaters, we actually realized that this film actually can be scared. हमको तो बहुत डर लग रहा है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोस मूवीज, आई डोंट नो आप लोग कितने रिलेट करोगे, कितने लोग ऐसे होते हैं ना हॉरर मूवी ऐसे करके देखते हो आप, हाँ है ना, ऐसा होता है ना आपको डर लगता है ऐसे आधी आप करके देखना जैसे उससे भूत नहीं आएगा. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड क्या हुआ सर क्वेश्चन, हाँ दोनों आंख बंद कर लेते हो फिर आप रेडियो पे देखो ना फिल्म. आई डोंट नो आप लोग के साथ ये होता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर आप हॉरर फिल्म नहीं देख रहे हो ना तो आप ऐसे नॉर्मली चलोगे, आराम से नॉर्मल पेस पे जाओगे, बट जैसे ही हॉरर मूवी देखते हो आप सडनली तेज भाग नहीं लगते जैसे पीछे साया सच में आ रहा है किसी का. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस रीजंस जिसकी वजह से आई वुड रिकमेंड एवरीवन फॉर यू नो स्पेशल थैंक्स टू जियो स्टूडियोज एंड मैडॉग फिल्म्स दैट अ फिल्म लाइक दिस इज कमिंग. एंड दिस विल बी यू नो वन ऑफ दोस फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंसेस व्हिच वी विल बी हैविंग इन मूवी थिएटर्स. एंड हॉरर मूवीज स्पेशली आई डोंट नो आप में से कितने ये लोग करते हो कि यू गाइस डोंट गो विद योर फैमिली, यू गाइस गो एज अ कपल. कोई है यहां पे जो हॉरर मूवी सिर्फ कपल्स की तरह देखते हैं? एनीवन, आप सिर्फ कपल में देखते हो ना हॉरर मूवी? मैम सिर्फ कपल में ना, जब आप हॉरर मूवी देखते हो आप नाखून मार देते हो यहां पे. ओके सो आई थिंक अनदर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम यार, they were looking so fantastic. We just had a look at the trailer. Thank you yaar bhai. Aur baal kitne cool hain. Aap jaisa lag raha ki tarah. Are bhai. Okay, so we just had a look at the trailer. Bahut zyada fun lag rahi hai. Samajh mein nahi aa raha ki dare, samajh mein nahi aa raha ki hase. Bahut confused hum khud bhi ho rakhe hain. And trailer dekhne ke ekdam baad mein sirf ek request hai Janvi aapse. आप प्लीज एक बार पैर दिखा दीजिए, सीधे है ना आपके पैर? हाँ हाँ सीधे हैं, ठीक है. मेन दर आज रूही बन के आए हो? आज रूही बन के ये अमला कब बनेगी यार? अरे टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइस, द फिल्म लुक्स फैंटास्टिक. मेरे को स्पेशली ये जानना है कि अब यूजुअली ऐसा होता है कि आप कोई कॉमेडी फिल्म कर रहे होते हैं तो अक्सर होता है कि आप एक्टर्स खुद ब खुद थोड़ा बहुत हंसने लग जाते हैं. So while shooting a horror film, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग सीन करते हो खुद थोड़ा सा डर जाते हैं? मेरा काम तो डराने का था और मेरा प्यार करने का. But I think jokes apart, I think जिस तरह से आपने बोला, of course कई बार अरे भाई क्या है, मैं इतना खुश हूँ इतने टाइम बाद आया हूँ ना दिल्ली और सबसे मिल रहा हूँ. और सबसे ज्यादा अरे सच्ची बताना, थिएटर में वापस आके मजा आया नहीं? आया ना वापस मजा. हम भी वेट कर रहे हैं 11 मार्च जल्दी से आए, रूही सिनेमाज में लगे और ऐसे ही लोग बैठे हंसे डरे मुस्कुराए मजा आएगा. सॉरी कमिंग बैक में ज्यादा भावुक हो गया था थिएटर में आके वापस. बट आई थिंक होता है अक्सर, हम मनाली में शूट कर रहे थे एंड वहां पे एक डिजर्टेड पूरा एक फॉरेस्ट लैंड था, रात को शूट कर रहे थे तो कई बार सबकॉन्शियसली आपको लगता है कुछ हो रहा है ये है वो है, तो ऑब्वियसली वैसे होता है. एट द सेम टाइम जैसे हम जब कॉमेडी सेक्शन शूट कर रहे होते थे तो जिस चीज में होता था करते करते ऑटोमेटिकली इंप्रोवाइज करके हंसने लग जाते थे. सो आई थिंक जो जॉनर का ब्लेंड होता है उसमें बंदा ब्लेंड हो ही जाता है. लेकिन लेकिन हर बार जब भी हम हॉरर सीक्वल शूट करते थे, यू रिमेम्बर जब मैं अफसर बन के आती थी सेट पे तो रात को कुत्ते भौंकने लगते थे? हां सच्ची टाइम आई वुड बिकम अफसर एंड कम. तो आपको ऐसा लगता था जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ हुए व्हाइल शूटिंग अ हॉलीवुड फिल्म, यू नो अक्सर ऐसे होते कि यार जब हमारा ऐसा रोल होता था ना हमको लगता था हमारे साथ कोई सो रहा है, हमको रात को आवाज. मैं अकेले ही सो रही थी लेकिन मुझे सपने बहुत आते थे कि मैं पता नहीं बेड पे बंदी हुई हूँ और मेरी पूरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई है क्योंकि मेरे अंदर भूत आ रखा है और मैं अकेली हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ, तो ये सपना
बार बार आता था मुझे शूट के बाद। I really want to ask you this one question, जानवी। एक सीन है इधर ट्रेलर जब आप पता नहीं सीलिंग पे टेबल फैन बनी हुई है, I don't know, you're there, you know, like a spider. तो how was that experience like, you know, being like a भूत, आप, you know, twisted makeup and you know on the छत, how was that like? मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे लगा कि काफी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि जितनी ज्यादा डरावनी लगूं उतना ज्यादा अच्छा है किरदार के लिए, फिल्म के लिए। तो बहुत मतलब एक एक्टर होने के हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी लिबरेटिंग, काफी आजाद फील करते हो आप कैमरे के सामने जब आप बार बार ये नहीं चेक करो कि टचअप करो, लिपस्टिक ठीक है, ये ठीक है, मैं ये टचअप कर रही थी कि और घाव लगाओ और नस यहाँ से गिर रहा है, एक और चिपकाओ, दो आंख क्यों, तीसरी भी लगा दो। Alright, and the songs of the film is fantastic. हम लोग obviously you know we're playing it on radio and we're enjoying a lot. But you know हम लोगों ने अभी trailer देखा है and the songs look fantastic. I was wondering if we could the latest track which is out right now, Nadiyon Paar. कली release हुआ है। कली release हुआ है। In fact हम लोगों ने भी बड़े पर्दे पे Nadiyon Paar नहीं देखा है। So how? Then when I heard the song, I was like, oh my god, yes, of course. And he was like, हाँ, लेकिन इसमें vibe अभी बहुत हो गया, cutie cutie वो सब, you need to like step it up. And literally जब मैं when I got this call, मैं आलू के पराठे और पालक पनीर खा रही थी. And I had a 3-4 day notice before shooting the song. तो इसलिए tone इसमें थोड़ा सा Nadiyon Paar ऐसे सुना. But मैं घर जा रहा हूँ. आपका रूही फिल्म से अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? Nadiyon Paar. मेरा जेन्युइनली Nadiyon Paar गाना मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है और मुझे पनगढ़ भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं बट Nadiyon Paar मेरा फेवरेट गाना है। अब मैं देखा आप तो गा भी रहे थे अभी साइड में। मैं डोंट वरी, मैं गाने को बोलूंगा नहीं आपको, डोंट वरी। अच्छा जानवी, देयर आर अ फ्यू जर्नलिस्ट हियर, जब हम लोग यहाँ पे आए थे दे वर लाइक यार Nadiyon Paar हमें बहुत अच्छा लगा है एंड वी वांट टू डू द हुक स्टेप विद जानवी, सो वी हैव अ फ्यू जर्नलिस्ट हियर, जो डांस करना चाहते हैं आ जाए। सुभाष जान, सुभाष, देखिए मैं हुक स्टेप नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साड़ी पहनी हूं, लेकिन कोई और स्टेप मैं दिखा दूंगी। दैट्स ओके, राइट? हां, थिएटर में 11 मार्च को रूही देखिए, हंसते हंसते डरिए और डरते डरते हंसिए। जी, हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है ये सोच के चलिए कि हम ये थिएटर कल्चर को मरने नहीं दे सकते और हम बहुत ज्यादा हिम्मत करके हमारी फिल्म को ला रहे हैं क्योंकि हम हमारी फिल्म पे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आई होप कि इस फिल्म के जरिए आपको वो थिएटर कम्युनिटी एक्सपीरियंस वापस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा।
हंसने को मिलेगा, डरने को मिलेगा. फैमिली के साथ जाइए, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लेकर जाइए, लेकिन प्लीज जाइए, आई प्रॉमिस बहुत ज्यादा मजा आएगा. थैंक यू यार.